20 सालों तक जंग लड़ने के बाद अब अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल गया है। अमेरिका ने एक तस्वीर जारी करके बताया कि उसका आखिरी सैनिक भी अफगानिस्तान की जमीन छोड़ चुका है। दुनिया भर में विरोध हुआ कि अमेरिका को अचानक अफगानिस्तान से ऐसे नहीं निकलना चाहिए था, तो वहीं कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह सब कुछ तालिबान के साथ की गई एक डील का हिस्सा है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने तो एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये तक बोल दिया था कि अमेरिका की लापरवाही के चलते तालिबान के हाथों अमेरिकी सेना के $85 बिलियन के अमेरिकी सैन्य उपकरण लग गए हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नाइट विजन गॉगल्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अत्याधुनिक बंदूकें शामिल हैं। लेकिन अब अमेरिकी सेना का एक बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि उसने अफगानिस्तान छोड़ते समय काबुल एयरपोर्ट पर रह गए अपने विमानों और सैन्य गाड़ियों को बेकार कर दिया है ताकि तालिबान उसका इस्तेमाल ना कर सके। जाते जाते अमेरिका तालिबान के साथ एक ऐसा खेल कर गया है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने बताया कि अमेरिकी सैनिक 73 एयरक्राफ्ट, 70 बख्तरबंद गाड़ियों और 27 हमवी वाहनों को तकनीकी तौर पर बेकार करके वहां से निकले हैं। उन्होंने बताया कि ये सब अब किसी काम के नहीं रहेंगे और तालिबान इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिन 73 एयरक्राफ्ट्स को अमेरिका ने खराब कर दिया है वो अब कभी भी उड़ान नहीं भर पाएंगे। अमेरिका अपने पीछे 70 बख्तरबंद गाड़ियां भी छोड़ गया है जिनकी कीमत $1 मिलियन प्रति गाड़ी है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन गाड़ियों को भी खराब कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुई जिनमें देखा जा सकता है कि तालिबान के लोग एयरपोर्ट के हैंगर में जाकर अमेरिकी विमानों का मुआयना कर रहे हैं। अमेरिका की आखिरी फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद तालिबान ने धुआंधार गोलीबारी कर जश्न मनाया। अमेरिकी सैनिकों के काबुल एयरपोर्ट छोड़ते ही तालिबान ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने अपनी स्पेशल फोर्स बद्री 313 को वहां तैनात कर दिया है। बद्री 313 की तस्वीरों में दिख रहे ये तालिबानी लड़ाके अमेरिका के किसी खतरनाक कमांडो यूनिट जैसे ही दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तालिबान के इन लड़ाकों के पास अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल्स हैं, हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइस लगी है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, अमेरिकी सेना जैसे बॉडी आर्मर्स हैं, पैरों में चप्पलों की जगह कॉम्बैट शूज हैं और पेट्रोलिंग के लिए अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ये सभी वो हथियार हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को दिए थे, लेकिन अब ये तालिबान के कब्जे में है। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते ही तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। तालिबान के लड़ाकों ने अब पंजशीर पर धावा बोल दिया है। तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर में घुसने की कोशिश की है। इस घटना में दोनों ही तरफ के लड़ाकों की मौत हुई है। आपको बता दें कि अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.